से राम मंदिर का भव्य मंदिर गिराया गया था तब से करीब 3.5 लाख लोगों का बलिदान वहाँ हुआ है, जिसमें जो आंदोलन पुनर्प्रारंभ हुआ माननीय देवराहा बाबा की प्रेरणा से अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, उसमें बहुत कार सेवक शहीद हुए। आज मैं राम और शरद को, दोनों सगे भाइयों को याद करूंगी। उनकी बहन पूर्णिमा कलकत्ता में है, योगी जी अगर उनको बुला लेते तो बहुत अच्छा रहता। इसी तरह से अयोध्या में भी वासुदेव अग्रवाल, जो पहली बार केसरिया पताका फहराते हुए उनको गोली लगी थी और वो ऊपर से नीचे गिरे थे, उनका परिवार अयोध्या में ही रहता है। ऐसे राजस्थान के प्रोफेसर अरोड़ा जो शहीद हुए हैं हमारी कार सेवाओं के दरमियान, और मैं खुद भी मर जाने के लिए तैयार थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे राम के लिए मरने में, क्योंकि मरना तो होता ही है। तो वो सब शहीदों को मैं याद कर रही हूँ तो मुझे खुशी होती है, लेकिन उनको बुलाया जाना चाहिए था इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के। मुझे पता नहीं वासुदेव का परिवार वहाँ बैठा है कि नहीं। बीजेपी के नेता उमा भारती को आप सुन रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और किस तरीके से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कार सेवकों ने जिस तरीके से जान दी है और जिस तरीके से 500 सालों का लंबा संघर्ष देखा गया, नाराजगी कई बार सामने आती है ऐसे कार्यक्रमों में अगर आप इन तमाम लोगों को नहीं बुलाते। पवन का रुख करते हैं, ठीक है जाएंगे पवन के पास, क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठा का भी कोई महत्व नहीं बचा, मैं तो एक एटिकेट की बात कर रही हूँ अभी। बाकी मुझे खुशी तो हो ही रही ना कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और योगी जी मुझे बहुत प्रिय है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, गौरव है। लेकिन हाँ, ये जो परिवार शहीद हुए ना, इनको बुला लेते कम से कम, पता नहीं शायद हो सकता बैठे हुए हों तो उनको बहुत खुशी होती, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो गई है, वो बहुत गरीब लोग हैं और वो आज भी गरीबी से ही जूझ रहे हैं। तो इसलिए खास करके जो वासुदेव का परिवार है, बाकी तो ये देखिए, ये आज हिंदू समाज का गौरव दिवस है और बहुत बड़ा गौरव दिवस है, क्योंकि इसमें भूमि पूजन में आज हम निश्चित हो गए हैं कि मंदिर बनेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को मत्था टेका था, रामलला को मत्था टेका था, तब भी हमें ऐसा ही लगा था। और मैं स्वयं भी, मैं आपको बताऊं, 2 बार शिलान्यास कर चुकी हूं सारे कार सेवकों के साथ में, हमने 2 बार शिलान्यास किया है वहां पर। तो ये तो चलता रहा, लेकिन अब ये नई बात आ गई है कि अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये है नई बात। हम उस समय ये सोचते थे कि शायद मर जाएंगे, गोली लग जाएगी, हम तैयार भी रहते थे। अब हम खुशी ये रही कि ऐसी कहीं कोई बाधा नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता निकाल दिया है और देश की जनता ने उस रास्ते को स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए आज मुझे याद आएगी अशोक जी की, देवराहा बाबा की, राम और शरद की, प्रोफेसर ओड़ा की, वासुदेव अग्रवाल की, और मुझे उनको याद करके मेरी तो आंखें नम हो जाएंगी। बाकी ये जो हो रहा है ये स्वाभाविक प्रक्रिया में हो रहा है। इसमें 3 सवाल हैं आपके, अलग अलग सवाल एक नहीं है। पहला ये है कि कानूनी लड़ाई जीती, लेकिन कानूनी लड़ाई जीतने का जो आधार बना वो ढांचे का गिरना बना। अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था, क्योंकि मथुरा और काशी के जो स्मृति चिन्ह हैं वो दीवारों पर दिखते हैं, यहाँ के दीवारों पर कुछ नहीं था, सब जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। और पुरातत्व विभाग की तो औकात थी नहीं कि वो वहाँ से ढांचा गिरा पाते, वो तो जिन कारसेवकों ने किया, जिनकी बदौलत ढांचा गिरा, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और नीचे मंदिर के प्रमाण मिले, तब जाकर के हम कानूनी लड़ाई जीत पाए हैं। अब आई दूसरी बात कि अटकाने और भटकाने की जिन्होंने चेष्टा की, वो तो उस समय साइलेंस्ड हो गए, चुप हो गए, जब देश की जनता एकजुट हो गई इसमें, और इस पर बहुत बड़ी राजनीति की वोट बैंक की हमारे विरोधियों ने। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, हमने नहीं की, क्योंकि हमारी तो सरकारें गिरा दी गई 6 दिसंबर के बाद, तुरंत हम लोग जेल भेज दिए गए आडवाणी जी के नेतृत्व में, मैं भी जेल में ही थी, हमारा ट्रायल चला, लेकिन हमने कभी इसका दुख नहीं मनाया कि हमारी सरकारें चलेगी, कभी रंज नहीं मनाया, कभी दुख नहीं मनाया। बल्कि हमारी, जब हम लोग हार गए चुनाव, अयोध्या की घटना के बाद में भी हम चुनाव हार गए, 6 दिसंबर के बाद हम यूपी ही हार गए, तब भी हमने राम मंदिर पर अपनी आस्था विचलित नहीं होने दी, और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में वो बना ही रहा कि भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो चूंकि हमारी आस्था इतनी प्रबल थी, ये लोगों की आस्था की विजय है जो 500 साल से चली। और मैं बताऊं जी न्यूज को कि ये पहला आंदोलन है जो 500 साल चला और अंत में सफलता के परिणाम में पहुंचा, ये पहला आंदोलन है जो 500 साल तक चला है, और इसलिए इसमें आप इसको आस्था की विजय मानिए, आज आस्था का भूमि पूजन हो रहा है। मैं फिर आपको एक बात कहूंगी जी न्यूज को, मुसलमान अगर यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज नाजायज है, ऐसा इस्लाम में ही लिखा है कि जिसमें दूसरों के धार्मिक चिन्ह हो वहां बैठ करके आपको नमाज नहीं पढ़ना, तो वहां पर मस्जिद होना ही नाजायज है, वहां पर नमाज पढ़ना ही नाजायज है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि वहां दूसरे की आस्था के चिन्ह हैं। और दूसरी बात, ये सामान्य मस्जिदें हैं, लेकिन मथुरा और काशी हमारे लिए सामान्य नहीं है, वो मक्का और मदीने के जैसा है, तो ये भी फर्क समझना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको धन्यवाद दूंगी इसके लिए।
पहली चीज वो सामान्य मस्जिदें हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण की जन्मभूमि हिंदू के लिए सामान्य नहीं है। दूसरी बात, दूसरे के धर्म स्थली पर पड़ी गई नमाज इस्लाम में कबूल नहीं है, तो इस्लाम विरोधी तत्व हैं जो ये कर रहे हैं। तीसरा, कानूनी लड़ाई की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं लगती, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं लगती है। मुझे तो लगता है कि आपस में बैठ करके समझौता कर लेते तो ज्यादा अच्छा था।